हेलो गाइस, तो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो इसी चैनल पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ऑसम कंटेंट डेली और इजीली मिलते रहें, और सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसमें हम हमारे मोबाइल डाटा और वाईफाई को एक साथ यूज़ करने की ट्रिक सीखेंगे। तो अगर आप इसको मैक्सिमम स्पीड पे चाहते हो तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो मैं शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आपका मेनू खोल लेना है यहाँ पर। उसमें आपको जाना है स्पीडीफाई पे, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसे आपको सिर्फ चालू करना है। जैसे चालू करेंगे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ मैंने फ्री अकाउंट पे 5% कर लिया है, तो मैं यहाँ पर देखिए आपको इसमें चालू कर देता हूँ। तो जैसे मैं चालू करूँगा तो आपको यहाँ पर कुछ सेकंडों में यहाँ नीचे देखिए आप ये हिस्सा, तो आपको यहाँ कई चीज़ें दिख जाती हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक ग्राफ दिखने लग गया है। तो यहाँ टोटल वाईफाई सेलुलर ये दिख रहा है आपको। तो इसमें हमें जो है ये दिख जाएगा कि हमने कितना जो है डाटा यूज़ किया और कितना कैसे गया है इसमें से। तो अब हम इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो सेटिंग के लिए हमें सेटिंग आइकॉन पे क्लिक करना है, चूज़ आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कनेक्शन सेटिंग, ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको वाईफाई में भी कुछ नहीं करना है। डेली डाटा कैप्शन लिमिट, ये ओवर लिमिट, ये सब आपको अगर आप चाहते हैं तो ही करिएगा। मेन आपका सेशन सेटिंग्स आती है। तो बॉन्डिंग में आपको यहाँ पर स्पीड रखना है। तो यहाँ आपको स्पीड अच्छी मिलेगी और इसमें आपका थोड़ा सेफ भी रहेगा, यानी आपका जो इंक्रिप्शन है वो अच्छा रहेगा। स्ट्रीमिंग में आपको स्पीड कम मिलेगी, बट कोई आपको ये रहेगा कि आपको वीडियो कॉल इन चीज़ों के लिए अच्छी मिलेगी। यहाँ स्पीड में आपको ऑल ओवर मिलेगी। एंड रेडियंस जो मोड है इसमें सबसे फास्टेस्ट कंडीशन पे जाएगी। एंड आपको रिलायबल मिलेगा, बट कई बार ये अनस्टेबल हो सकता है और ये बैटरी ज़्यादा खाएगा, तो इसलिए हम स्पीड पे रखा करेंगे। तो हम एक सेटिंग पीछे चले गए। कनेक्ट ऑन स्टार्टअप, इसे चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं, बट इसे ऑन रखिए, आपके बहुत काम में आएगा। आपके इंटरनेट की स्पीड को ये मैक्सिमम तक ले जाने में मदद करेगा। ट्रांसपोर्ट मोड, तो वैसे तो ये ऑटो पे रहेगा, बट ऑटो पे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको UDP पे करना है। तो यूनिफाइड, ये जो UDP होता है ये बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए होता है, यानी कि लाइक वीडियो कॉल इस टाइप के कनेक्शन में होता है। इसमें आप गेमिंग जैसे फंक्शन बहुत इजीली और फास्टली खेल सकते हो। ये स्लो नेटवर्क पे भी अच्छा काम कर देता है। अब आपको यहाँ पर प्राइवेसी में ऑन द टाइम इंक्रिप्शन ऑफ करना है, DNS सर्विस ऑटोमेटिकली करना है यहाँ, या फिर यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं ओपन DNS को, क्योंकि ये जो ओपन DNS है ये यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छी स्पीड देता है। उसके बाद आपको फीडबैक कर देना है। तो इंटरनेट किल स्विच ये ऑफ करना है। तो इस कंडीशन में आपका नेट सबसे फास्ट चलेगा, जो भी इसमें आपको अवेलेबल होगी स्पीड। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अपना मोबाइल डाटा और जो आपकी नॉर्मल वाईफाई होता है उन दोनों को एक साथ यूज़ कर पाएंगे, अगर आपके एरिया में अच्छी स्पीड नहीं है। लाइक आपकी सिम जो है वो 100 KBPS दे रही है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका ये VPN उसमें से लगभग 75 से 80 KB जो है आपकी बैंडविड्थ आपको वापस तो कर ही देगा,
प्लस जो आप वाईफाई हॉटस्पॉट ले रहे हैं अगर उसमें भी 100 kbps मिल रही है, तो आपकी 200 kbps में से आपको कम से कम भी 150 kbps आपको स्पीड मिलने वाली, यानी आपकी स्पीड में एब्सोल्युटली बढ़ोतरी होगी इन द नॉर्मल कंडीशन। तो अभी मैं इसके लिए टेस्ट तो आपके लिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं डाल रखा है, अदरवाइज आप खुद एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने में मिलेंगे जब आप दोनों चीज़ें एक साथ चलाएंगे। ये सैमसंग के स्मार्ट स्विच जैसा ही है, बस उससे थोड़ा सा अलग है, विथ VPN सर्विस है ये। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो इंटरनेट की इशू है वो बहुत कॉमन इशू है। स्लो इंटरनेट हर किसी को मिलता है, तो उसको फास्ट करने में बहुत काम आएगा।